नमस्ते गेमर्स, मैं हूं लकी एंड वेलकम करता हूं तुम सभी लोगों का एक और न्यू वीडियो में। तो आज मैं तुम लोगों के लिए फिर से लेके आया हूं टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम फॉर योर एंड्रॉइड और iOS डिवाइसेस। इनमें से कुछ गेम्स ऑनलाइन होने वाले हैं एंड कुछ गेम्स ऑफलाइन होने वाले हैं। तो भाई वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, स्किप बिल्कुल भी मत करना। तो चलिए फिर करते हैं हमारी आज की इस वाली वीडियो को स्टार्ट और बढ़ते हैं नंबर 10th गेम की तरफ। जिसमें नंबर 10th पर जो गेम है, इस गेम का नाम है रशियन कार ड्राइविंग। इस गेम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप अवेलेबल हो जाएगा जिसको कि आप पूरी तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको स्टोरी मोड भी देखने को मिल जाएगा एंड वैसे देखा जाए तो एक हंटिंग वाली गेम है। इसके अंदर आप हंटिंग भी कर सकते हो, गन्स भी गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। वैसे आप इस गेम के अंदर एक कार ड्राइवर हो जो कि डिफरेंट डिफरेंट मिशन को कम्प्लीट करता है एंड इसका स्टोरी मोड मेरे को बहुत ज़्यादा अमेजिंग लगा। एंड इस गेम के अंदर आपको अपनी एक कार भी देखने को मिल जाएगी, आप न्यू कार भी बाय कर सकते हो, अपनी कार को कस्टमाइज भी कर सकते हो। गेम के अंदर आप रेसिंग करके भी पैसा अर्न कर सकते हो एंड ये गेम एकदम रियलिस्टिक होने वाला है, यानी कि आपके प्लेयर को भूख भी लगेगी एंड उसको मतलब कि खाना खाया हुआ तो वो निकालना भी पड़ेगा, मतलब सब कुछ एकदम रियलिस्टिक होने वाला है। गाड़ी के अंदर आपको पेट्रोल भी डलवाना पड़ेगा, टाइम टू टाइम गाड़ी रिपेयर भी करवानी पड़ेगी, आपकी गाड़ी डैमेज भी होगी। तो मेरे को तो गेम बहुत ज़्यादा पसंद आया एंड स्पेशली बताऊँ तो इस गेम के अंदर आपको ऑफ रोडिंग करनी है, मतलब ज़्यादातर इस गेम के अंदर आपको ऑफ रोड मैप देखने को मिलेगा जहाँ पर आपको अपनी गाड़ी ड्राइव करनी है। तो गेम बहुत इंटरेस्टिंग है। बात करें गेम की साइज की तो अराउंड 170 MB गेम का साइज है एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। और नंबर 9th पर जो गेम है, इस गेम का नाम है रशियन कार ड्राइविंग जील 130। ये एक ऑफलाइन ट्रक ड्राइविंग गेम है। इस गेम के अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप अवेलेबल हो जाएगा। आपके पास एक ट्रक है एंड उसी ट्रक से आपको जो है लॉन्ग लॉन्ग रूट्स पर कार को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर करना है। गेम के अंदर आपको ऑफ रोड एरियाज भी देखने को मिल जाएगा। जिन लोगों को भी ऑफ रोड गेम पसंद है वो लोग इस गेम को जरूर से ट्राई करना। बात करें गेम की साइज की तो 83 MB गेम का साइज है एंड गेम पूरी तरीके से ऑफलाइन है। ऑलराइट, नंबर 8 पर जो गेम है, इस गेम का नाम है वर्ल्ड वॉर 2 फोर्टलाइन 1942। ऑलराइट, ये एक फर्स्ट पर्सन शूटिंग गेम है एंड ये गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड वही वेपन अवेलेबल होंगे जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में हुआ करते, जो कि थे वर्ल्ड वॉर 2 में थे, यानी कि ओल्ड वेपन्स। एंड इस गेम के अंदर आपको रियल वर्ल्ड लोकेशंस देखने को मिल जाएगी एंड आपकी फाइट जो है वर्ल्ड में किसी भी प्लेयर के साथ हो सकती है, यानी कि ऑनलाइन चलने वाले जैसे पबजी के अंदर कहीं से भी कोई प्लेयर आता है वैसे इस गेम के अंदर होगा। गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के वेपन्स अवेलेबल हो जाएंगे एंड इस गेम के बारे में मुझे कुछ ज्यादा कुछ बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है कि बैटल वाली गेम्स के अंदर क्या होता है। तो बात करें गेम की साइज की, अराउंड 1 GB गेम का साइज है एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ऑलराइट, लिस्ट नंबर 7 पर जो गेम है, इस गेम का नाम है ड्राइव जोन ऑनलाइन। इस गेम के अंदर भी आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप अवेलेबल हो जाएगा एंड एक ड्राइविंग गेम होने वाला है। तो इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मोड्स अवेलेबल हो जाएंगे, रेसिंग मोड, ड्रिफ्टिंग मोड, स्किल टेस्ट मोड एंड मेरा पर्सनल फेवरेट तो भाई स्किल टेस्ट मोड है। इसके अंदर आपको लाइक GTA 5 में जैसे रैंप्स होते हैं वैसे रैंप्स पर आपको कार्स को ड्राइव करना होता है, दूसरे प्लेयर के साथ रेसिंग करनी होती है। अगर चाहो तो आप ओपन वर्ल्ड को भी पूरा एक्सप्लोर कर सकते हो। इस गेम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप अवेलेबल हो जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कार्स, SUV कार्स, सुपर कार, लग्जरी कार, सभी कार्स आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई मेरे को तो गेम बहुत ज्यादा पसंद है। इस गेम के अंदर हमारी फेवरेट G63 भी है, चाहे आप अपनी कार को कैसे भी कस्टमाइज करवाओ, मॉडिफाई करवाओ, जैसा अपनी कार को कस्टमाइज करना चाहो वैसा करवा सकते हो। बात करें गेम की साइज की तो अराउंड 800 MB गेम का साइज है एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। ओके, लिस्ट नंबर 6 पर जो गेम है, इस गेम का नाम हैवी मशीन एंड कंस्ट्रक्शन। इस गेम के अंदर आपको हर टाइप के कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स अवेलेबल हो जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको मिशंस को कंप्लीट करना होगा, उसके बाद ही आप जो है आगे के मिशंस को अनलॉक कर पाओगे, न्यू मशीन्स को अनलॉक कर पाओगे। गेम के अंदर आपको एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप अवेलेबल हो जाएगा जो कि आप पूरे तरीके से एक्सप्लोर भी कर सकते हो। चाहो तो जॉब कर लो वरना ऐसे ही घुमाते रहो अपनी गाड़ी को। एंड भाई इस गेम के ग्राफिक एकदम नेक्स्ट लेवल है, PC लेवल इस गेम के ग्राफिक आपको देखने को मिल जाएंगे, बस आपके डिवाइस पे डिपेंड है कि आपके डिवाइस में हाई लेवल पे वर्क करेगा या नहीं करेगा। बात करें गेम की साइज की तो 401 MB गेम का साइज है एंड गेम तरीके से ऑफलाइन है। ओलेट, नंबर 5 पर जो गेम है, इस गेम का नाम है मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन। इस गेम के अंदर आपको सारे के सारे मार्वल के हीरोज देखने को मिल जाएंगे। इस गेम के अंदर आपको फुल एक्शन देखने को मिलेगा। भाई तुम्हें पता ही है मार्वल मूवीज की, मार्वल की आपको सारी सारी एवेंजर्स मूवी देखी हो तो तुमको पता ही होगा कैसा सब होता है। वैसे इस गेम के अंदर आपकी फाइट होगी, आपको स्पाइडरमैन, आयरन मैन, सारे के सारे इस गेम के अंदर हीरोज देखने को मिल जाएंगे, फुल एक्शन करना होगा, ओपन वर्ल्ड मैप देखने को मिल जाएगा एंड गेम के ग्राफिक एकदम PC लेवल है। गेम के अंदर आपको स्टोरी मोड भी अवेलेबल हो जाएगा एंड एक बात की आप सभी लोगों से माफ़ी मांगना चाहूँगा, ये जो मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन गेम है ये फिलहाल शट डाउन हो चुका है, मतलब कि सभी जगह से, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड से इस गेम को हटा दिया गया है। भाई क्यों हटा दिया गया, उसका रीज़न ये है कि डेवलपर्स ने अभी बताया है कि हम वैसी क्वालिटी नहीं दे पाई जैसी हम देना चाहते थे। भाई माफ़ कर देना यार, जब मैंने इस गेम के बारे में तुम्हें बताया आधी इन्फॉर्मेशन तो थी मेरे पास, लेकिन जब थोड़ी और इन्फॉर्मेशन लेने गया तो भाई पता लगा कि गेम जो है शट डाउन हो गया एंड अब तक मैं इस आधी वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ एंड आधी बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो यार
माफ कर देना। एंड अगर फिर भी अगर प्ले कर पाओ तो एक बार यूट्यूब पे सर्च कर देना, कोई ना कोई आपको ट्रिक जुगाड़ दे ही देगा इस गेम को प्ले करने के लिए। भाई गेम की ग्राफिक एकदम पीसी लेवल है, तो भाई ट्राई कर लेना, माफ कर देना यार। तो चलिए बात करते हैं भाई फोर्थ गेम के बारे में। और एट नंबर फोर पर जो गेम है, इस गेम का नाम है जेनशिन इंपैक्ट। इस गेम के ग्राफिक्स भी आपको एकदम पीसी लेवल देखने को मिल जाएंगे। इस गेम का आपको एक स्टोरी मोड अवेलेबल हो जाएगा। तो भाई ये गेम एकदम अमेजिंग है। इस गेम को कंप्लीट करोगे, मतलब शुरू से खेलोगे ना, तो एकदम मज़ा आ जाने वाला है। थोड़ी बहुत सीरीज मैंने भी इस गेम की कंटिन्यू की थी, अगर सीरीज चाहते हो तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। एंड गेम की ग्राफिक्स एकदम नेक्स्ट लेवल है। गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के करेक्टर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड हर करेक्टर के पास अपने अपने सुपर पावर्स हैं। इस गेम की स्टोरी थोड़ी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि दो भाई बहन होते हैं एंड एक दूसरे वर्ल्ड में से घूमते रहते हैं। एक दिन क्या होता है कि कोई गॉड आता है एंड हमारे एक करेक्टर को अपने साथ ले जाता है। अब जो बता दूसरा करेक्टर, वो आप पे डिपेंड, अगर आपने मेल चूज किया तो फीमेल को लेकर जाएगा, एंड फीमेल चूज किया तो मेल को लेकर जाएगा। अब हमें उसे ही बचाना है। उसको बचाने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट के एडवेंचर्स को कंप्लीट करना है। बहुत सारी बॉस फाइट होगी, मॉन्स्टर्स देखने को मिल जाएंगे, एंड गेम के ग्राफिक एकदम पीसी लेवल है भाई, सच बता रहा हूँ। एक बार जरूर से ट्राई कर लेना। बात करें गेम की साइज, 27 GB गेम का साइज है। एंड अगर आपके पास अच्छा खासा डिवाइस है तो उसे ट्राई कर लेना। एंड गेम पूरे तरीके से ऑनलाइन है। और नंबर थर्ड पर जो गेम है, इस गेम का नाम है ट्रेन सिमुलेटर प्रो यूएस। आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेन गेम्स खेली होगी, बट इस गेम के जैसी एक भी गेम नहीं खेली होगी। इस गेम के अंदर आपको एकदम नेक्स्ट लेवल ग्राफिक्स देखने को मिल जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ट्रेन देखने को मिल जाएगी, एंड ग्राफिक्स एकदम पीसी लेवल है। एंड गेम के अंदर डिटेलिंग भी बहुत मस्त की गई है। इस गेम को आप मल्टीप्लेयर अपने फ्रेंड्स के साथ प्ले कर सकते हो, उनके साथ ट्रेन रेस कर सकते हो, या फिर नॉर्मल अपना कैरियर पर भी ड्राइव कर सकते हो, पैसेंजर ट्रेन ड्राइव कर सकते हो, कार्गो ट्रांसपोर्ट वाली कर सकते हो। गेम के ग्राफिक भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। गेम के अंदर वेदर कंडीशन चेंज होती है, डे नाइट का सर्कल भी चलता है। गेम का आप बात करें गेम की साइज की, तो अराउंड 900 MB गेम का साइज है। एंड गेम को आप ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में प्ले कर सकते हो। और लेटेस्ट में नंबर 2 पर जो गेम है, इस गेम का नाम है ट्रक टाइकून। इस गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लोकेशंस अवेलेबल हो जाएगी। कार्गो को आपको एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना है। गेम के ग्राफिक भी एकदम नेक्स्ट लेवल है। गेम के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैमरा एंगल्स भी देखने को मिल जाएंगे। गेम के अंदर आपको ऑफ रोड और हाईवे सारे के सारे रोड्स अवेलेबल हो जाएंगे, एंड गेम एकदम अमेजिंग है। बात करें गेम की साइज की, 1.4 GB गेम का साइज है, एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। तो चलिए बात करते हैं हमारी लिस्ट के फाइनल गेम के बारे में। तो लिस्ट में फर्स्ट पर जो गेम है, इस गेम का नाम है कार एक्स स्ट्रीट मोबाइल। अगर तुम कार सिमुलेटर गेम्स के फैन हो तो ये गेम तुम्हारे लिए ही बना है। इस गेम के अंदर आपको पीसी लेवल ग्राफिक्स एंड हर टाइप की कार अवेलेबल हो जाएगी। एसयूवी कार, सुपर कार, लग्जरी कार, सारी की सारी कार अवेलेबल हो जाएगी। कार्स को आप पूरी तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो। एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड मैप आपको अवेलेबल हो जाएगा। डे नाइट का सर्कल जाता है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की वेदर कंडीशन गेम के अंदर देखने को मिल जाएगी। गेम के अंदर आप ऑनलाइन प्लेयर के साथ रेसिंग कर सकते हो, ड्रिफ्टिंग कर सकते हो। तो भाई और क्या ही चाहिए तुम्हें, अब इतना सब कुछ तुमको बस एक गेम के अंदर देखने को मिल रहा है। बात करें गेम की साइज की, तो 5 to 6 GB के आसपास गेम का साइज है, एंड गेम पूरी तरीके से ऑनलाइन है। एंड वार्निंग, लो डिवाइस वाले इस गेम को जरूर बिल्कुल भी ट्राई मत करना। तो बस यही थी आज की हमारी टॉप 10 बेस्ट ओपन वर्ल्ड गेम्स। आई होप आप सभी लोगों को कोई ना कोई गेम पसंद आया। जो भी गेम पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि आपको कौन सा वाला गेम पसंद आया। एंड भाई मेरी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर से कर देना, चैनल पे पहली बार तैयार सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिल रहा हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।